और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। सीएम ने प्रबुद्ध जनों के साथ में पौधारोपण भी किया है। श्रद्धे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में सबसे पहले दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम ने प्रबुद्ध जनों के साथ पौधारोपण किया और उसके बाद श्रद्धे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर इस वक्त बने हुए हैं, जहां महाराष्ट्र पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रभु से आशीर्वाद लिया और उसके बाद में सीएम ने प्रबुद्ध जनों के साथ में पौधारोपण भी किया है। यहां श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर बने हुए हैं, फिलहाल महाराष्ट्र में वे पहुंचे हैं। महाराष्ट्र का उनका दौरा है, जहां सबसे पहले महाराष्ट्र पहुंचने के साथ ही यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद सीएम ने प्रबुद्ध जनों के साथ में पौधारोपण भी किया। यहां श्रद्धे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर बने हुए हैं, महाराष्ट्र के दौरे पर वे पहुंचे हैं। यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए, जिसके बाद प्रबुद्ध जनों के साथ पौधारोपण किया। आपको बता दें कि श्रद्धे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया है। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र का उनका यह दौरा आज का बेहद ही खास होने वाला है, जहां महाराष्ट्र पहुंचने के साथ सबसे पहले यवतमाल के चिंतापूर्णी मंदिर में उन्होंने दर्शन